उत्तराखंड के सुल्तानपुर बाजपुर बीस गांव की 5,838 एकड़ भूमि के अधिकारों की मांग को लेकर दर्जनों आक्रोशित किसानों ने भाकियों के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी को सौंपकर किसानों के अधिकार वापस दिए जाने की मांग की। भूमि बचाओ मुहिम के संयोजक जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि किसान 10 माह से जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। राज्य सरकार किसानों का इम्तहान न ले, किसानों का सबर टूट गया तो सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किसानों को आश्वासन दिया गया कि लोकसभा चुनाव के बाद किसानों को भूमि अधिकार सरकार द्वारा वापस कर दी जाएंगे। जिलाधिकारी उदयराज सिंह द्वारा भी किसानों को आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही उनकी भूमि धरी अधिकार उनको वापस मिल जाएंगे, जिस पर अभी तक सरकार द्वारा इस आश्वासन पर अमल नहीं लाई गई, जिसकी वजह से सरकार से किसानों का विश्वास टूटता जा रहा है और किसानों में आक्रोश पनप रहा है। बाजपुर में 1 अगस्त 2023 से प्रारंभ हुआ था और लगातार रात दिन ये आंदोलन चल रहा है, सत्याग्रह चल रहा है। इस बीच बहुत बार मुख्यमंत्री जी से वार्ता भी हुई और उन्होंने बड़ा मजबूत आश्वासन दिया है समाधान का, लेकिन 10 महीने बीत जाने के बाद भी कोई स्थिति नहीं बनी। इससे पहले भी जब ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो शासन प्रशासन ने एक बात कही थी कि अब ये चुनाव की प्रक्रिया जारी हो चुकी है तो इसमें कोई भी ऐसा डिस्टर्बेंस ना किया जाए जिससे कि शासन के कोई कार्यों को बाधा पहुँचे। तो पूरे किसानों मजदूरों ने व्यापारियों ने सहयोग करते हुए बड़ा शांतिपूर्वक ये आंदोलन 10 महीने तक चलाया। तो आज हम बताने आए हैं एसडीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आप अपने वादे के अनुरूप हमारा समाधान करिए, जो 50 साल से भी अधिक समय से जो भूमिधरी अधिकार प्राप्त हैं और उसके लिए यहाँ के लोग लड़ रहे हैं, बाजपुर के लोग संघर्ष कर रहे हैं अपनी ज़मीनों के लिए, और ये ऐसा आंदोलन है, ये ऐसी मांग है जिससे सरकार पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ता, सरकार को पल्ले से कुछ देना नहीं पड़ता। वही किसानों की ज़मीन है जिस पर वो 50 साल से काबिज हैं, उसके जो अधिकार छीने गए सिर्फ वो अधिकार देने और सिर्फ एक कलम से काम हो जाना। तो हमारा ये निवेदन है कि जल्दी से जल्दी वो हमारे अधिकार वापस। धरना हमारा शुरू हुआ था, आज उसे 10 माह पूर्ण हो गए थे। 10 माह पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ही आज हम यहाँ एसडीएम साहब के सामने ज्ञापन देने आए हैं। हमारी मंशा ये है कि हम सरकार को एक बार फिर से चेता दें कि 10 माह भी पूरे हो गए हैं और अब ये जो आचार संहिता थी, चुनाव भी पूर्ण हो चुके हैं, आज लास्ट चरण है, चुनाव भी पूर्ण हो चुके हैं। अगर हमारे इस जो हमारा ये ज़मीनों का काम है, अगर आपने इस पर कार्रवाई ना करी आगे को और ये हक हमें नहीं दिए, तो ऐसे गर्मी के मौसम में हम भी और कहीं गर्म ना ज़्यादा हो जाए, गर्म मिजाज हमारा ज़्यादा ना हो जाए और कहीं शासन प्रशासन पे या सरकार पे भारी पड़ जाए। तो इन्हें यही चेताने आए थे कि हमारा काम जल्द से जल्द कर दिया जाए, नहीं तो आगे वाला समय जो है वो बहुत ही गर्म हो जाएगा, क्योंकि किसान यहाँ 10 महीने से इस गर्मी में धूप में बैठे बैठे परेशान हैं, अपने घर छोड़ के जो बैठे हैं, और उसके बाद उन्हें ये डर है कि कहीं उनकी ज़मीनें ना छिन जाएं। तो अब जो भी होगा, अब करूं मरूं की लड़ाई है आगे, अगर सरकार हमारा काम कर देती है तो हम अपने अपने घर चले जाएंगे, नहीं तो आने वाले समय में हम इसे और इस धरने को उग्र करेंगे। यही आप चेतावनी देने आए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।